Hey everyone, आ गई हूँ फिर से कंटेंट के नाम पे पेशाब करने. So lot of people were asking me in my DM. पर सच में लोग पूछ रहे थे, you know, वो फ्रीज टूर की मांग कर रहे थे. बेसिकली दे वर सेइंग के प्लीज आप फ्रीज टूर दे दो, हमें देखना है आपके फ्रिज में क्या है, क्या गुप्त माल छुपा के रखा है फ्रिज में. कोई गुप्त माल नहीं है. अरे खाने के मान दे, हमारे खाने के पैसे नहीं है दोस्तों. लोगों के घर के खाने चोरी करके ले लेके यहाँ पे फ्रिज में रख देते हैं हम लोग. मैं नहीं रखती, मेरे माँ बाप रखते हैं. सो आर यू गाइस रेडी? देखना चाहते हो मेरे फ्रिज में क्या क्या है? चलो. ओके, सो दिस इज द फ्रिज, यू कैन सी दैट. और फ्रिज के ऊपर ये लोग देख सकते हैं, मतलब मेरे माँ बाप एक नंबर के एक ट्रे भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये दोनों. फ्रिज के ऊपर ही ये लोगों ने टूथपेस्ट रख दिया है, फेस वॉश रख दिया है, मतलब ये सब इतनी करीबी, लाइक इतने करीब्स है ये दोनों. अभी मैं इस फ्रिज को खोलने का कष्ट करना चाहूंगी. सो करती हूँ कष्ट, तुम लोग देखते रहो नजारा. सो लेट्स ओपन द फ्रिज. मैंने ओपन कर दिया है. अभी ये देख सकते हो तुम लोग इसका जो हाल है फ्रिज का. कुछ है ही नहीं फ्रिज में, क्योंकि कैसे होंगे दोनों ही एक नंबर के. देखो पूरा खाली है, जस्ट लुक एट दिस. ओके, सबसे पहले मैं फ्रिज में क्या मिलती है, एक ट्रे, उसमें एक है भी नहीं. मैंने कल सुबह ही मैंने तीन अंडे दिए थे, बेसिकली मैंने दिए थे क्योंकि हमारे घर में मुर्गी नहीं है, तो इसलिए मुझे ही अंडे देने पड़ते हैं. और तो मैंने दिए थे और तीन अंडे दिए थे, तीनों ही मेरे मम्मी पापा खा गए, मुझे एक भी नहीं दिया उन लोगों ने. तो मैं जब कल अंडे दूंगी फिर मैं तीन अंडे मैं ही खा जाऊंगी. उसके बाद ये जो है ना, ये है घी, यू कैन सी दैट. तो ये जो घी है ना, मुझे दिन में एटलीस्ट एक बार तो मुझे खानी ही पड़ती है मेरी गू निकालने के लिए. बिकॉज मैं अगर घी भात अगर मैं नहीं खाऊं तो मेरी गू नहीं निकलती है. सो दैट्स वाई मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि घी खाइए, आपकी जो गू है वो निकल जाएगी. ओके, उसके बाद क्या है, हाँ ये भी घी ही है. दिस इज ऑल्सो अनुपमा की, ये कांच का है. बेसिकली इसने बच्चा दिया था, ये यू कैन सी दैट, ये इसी का बच्चा है. ये माँ बेटी दोनों साथ में ही रहते हैं. उसके बाद जो है ना वो है अचार. ये हाँ ये देखो तुम लोग, ये जो अचार है ना मैंगो का है, मैंगो पिकल. ये जो अचार है ना, बेसिकली ये क्या होता है ना, जो गरीब्स होते हैं ना, जो दो टके के जो मेरे जैसे गरीब्स होते हैं, उनको उनके पास क्या होता है ना, पैसे नहीं होते हैं फिश खरीदने के लिए, मीट खरीदने के लिए. सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, अचार से भात खाते हैं. दिन में अचार से खाती हूँ, दोपहर को मैं घी से खाती हूँ, ये बड़ी वाली घी से, और रात को मैं ये छोटी, इसने जो बच्चा दिया था बेसिकली इसके घी से खाती हूँ. तो तीन टाइम का खाना घी और अचार से ही मेरे पेट में जाता है, क्योंकि मेरे मामा अरे राम, पता नहीं मेरी गरीबी कब दूर होगी. नेक्स्ट थिंग जो है, भले ही मैं गरीब हूं लेकिन मेरी फेस पे जो निखार है वो नहीं जानी चाहिए. सो दैट्स वाई मैं ये जो दाल है, ये दाल भिगो के रखती हूँ. इस दाल की मैंने रेमेडी भी दे रखी थी स्किन केयर रूटीन का, वो बेसिकली मैं रोज यूज करती हूँ, तो तुम लोग भी करना. इसको भी मैं पीस के अभी थोड़ी देर बाद अपने फेस में अप्लाई करूंगी. भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे सुंदर देखना बहुत पसंद है. उसके बाद क्या है ना, ये नींबू, यू कैन सी दैट. नींबू भी इनकी मतलब पूरी नहीं आती है, जब दुकान में काटने जाते इतने पैसे कम है ना, बेसिकली वो दुकानदार उनको काट के देते हैं नींबू, हाफ दे देते हैं. और क्योंकि मेरे पापा हाफ ही अफोर्ड कर पाते हैं, इतने मतलब गए गुजरे हैं मेरे पापा, वो हाफ ही अफोर्ड कर पाते हैं. सो दैट्स फाइन, हाफ नींबू. ये एक महीने तक चलेगी, ठीक है ना, एक महीने तक हम इसको चूस चूस के इसका जूस पियेंगे. सो क्योंकि हम हाफ ही अफोर्ड कर पाते हैं तो इसको भी रख देती हूँ, अगर मेरा बाप देख लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा. ओके, सो नेक्स्ट जो है, ये है फ्रीजर, फास्ट फ्रीजिंग जोन. मैं खोलती हूँ इसको. हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि एंटार्क्टिका में आ चुकी हूँ. इधर में ट्रे वे कुछ भी नहीं है, आइस ट्रे होता है बेसिकली, बट वो भी नहीं है, किसी ने चोरी कर लिया है दोस्तों हमारे घर में आके. आइस ट्रे हमारे पास भी हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन किसी ने चोरी कर लिया है, पता नहीं किसने किया है, तो उसके बाद हम आइस नहीं जमा पाते हैं. बस यही
दिखानी थी मेरे को तो okay, so, उसके बाद आती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। इधर में भी कुछ नहीं है, खाली है बस। इधर में क्या है ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। ये लकड़ी तो नहीं लेके आ गए मेरे बाप। हाँ ये पता नहीं कुछ सब्जी वगैरह है कि क्या है, देख के तो मुझे वैसा ही लग रहा है। तो ये है, आज रात को इसी से मैं दाल चावल खाऊंगी। तो आज रात का खाना है हमारे पास, यू कैन सी दैट। उसके बाद है मिर्ची, यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ मिर्चीज। सो लॉट्स ऑफ मिर्चीज बिकॉज आई जस्ट लव मिर्चीज, यू नो मैं खुद एक मिर्ची हूँ और मैं खाती भी मिर्ची ही हूँ। ओके सो नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, ओ माय गॉड व्हाट्स दैट ये पता नहीं क्या है, ये आई डोंट नो व्हाट्स दैट। ये क्या पता नहीं कहां से क्रिकेट बॉल उठा के लेके आ गए हैं कि क्या है ये, कुछ भी हो बट ये भी शायद ये लोग खाते हैं, ये दोनों कुछ भी खाते हैं। ओके रख देती हूँ इसको, बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे जो साइन बना हुआ है ना एप्पल का, ग्रेप्स का, पता नहीं ये फ्रूट्स रखने का जगह है। और मेरे माँ बाप ये सब रख रहे हैं, टेनिस बॉल, मिर्ची, पता नहीं। उफ नेक्स्ट वी हैव 3 बोतल है माजा के जो खाली हो चुके हैं। और उसके बाद ये है किसान जूसी ऑरेंज, इसके अंदर पानी है दोस्तों। ये मेरे किसान का जूसी ऑरेंज है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये गिरी हुई बोतल को उठा के लेके आए हैं, पानी भर के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो हो गई, दिख गई तुमको मेरी गरीबी। बहुत लोग मेरे को मेरे बाथरूम टूर देखने के बाद बोल रहे थे कि नहीं तू गरीब नहीं है, तेरे बाथरूम में टाइल्स लगे हुए तो कैसे गरीब है, झूठ मत बोल, गरीब नहीं है तू। अरे मैं गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं लेकिन खुश हूं, खुश हूं। एक ही बात बोलना चाहूंगी, देखो सी गरीब होना पाप नहीं है, गरीब होके मरना पाप है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि एटलीस्ट मेरे को तो घी भात मिल रही है, अचार के साथ एटलीस्ट मैं भात खा सकती हूं, लेकिन बेचारे कईयों को तो वो भी नहीं मिल रहा है ना, है कि नहीं? एक टाइम का खाना मिल रहा है बस, किसी को मिल ही नहीं रहा है। सो अमीरी ने मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया है और ना कभी करेगा, क्योंकि मैं जिस माहौल में बड़ी हुई हूं ना बचपन से, तो अभी कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट हो चुकी हूं। मैं बोलती हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऑब्वियसली यार मेरी फ्रस्ट्रेशन, मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं भी इंस्टा खोलती हूँ, मैं भी देखती हूँ यू नो लोग इंजॉय कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कैसे। बाद में मैं सोचती हूँ कि नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग होती है और वो चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। हम मेहनत से, लगन से, कष्ट करके हम कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपनी जो भी सिचुएशन है उसको और बेटर कर सकते हैं खुद की मेहनत से। तो तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं भी वैसी ही हूं लेकिन जो सुकून है वही बहुत, झूठ भी नहीं बोला जा रहा है ना मेरे से। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी कि क्या है यार लाइफ, क्या है, अपने अपनों के साथ रहना ही लाइफ है कि नहीं? अमीरी से क्या होता है? अरे बहुत कुछ होता है अमीरी से, होता है लेकिन अभी मिल नहीं रही है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में मिलेगी ना, मुझे पता है बाद में हमें जरूर मिलेगी, हम भी एक दिन अमीर होंगे और सारे पैसे मैं तो दान करूंगी, अपने लिए भी रखूंगी। और मैं मुझे बहुत शौक है मैं दान करूं, लोगों का हेल्प करूं। एंड करती हूं ब्लॉग को, फिर से आऊंगी 3 दिन बाद, मैं फिर से आऊंगी। बाय।